बीजेपी के सांसद और WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि तमाम सबूत ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन सब के बीच में खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। अनुराग ठाकुर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज महिला पहलवानों का दर्द देखने को नहीं मिल रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाना बीजेपी की मजबूरी बन रहा है, क्योंकि उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है। लेकिन तमाम देश की जनता और विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि आज शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि वो केवल अपने वोट बैंक को देख रहे हैं और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है कि हालात जो हैं वो सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन महिला पहलवानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी सरकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और मंत्री एक टुक भी बात करना नहीं चाहता है। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन गए वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में जो हालात इस वक्त के देखने को मिले हैं, आने वाले वक्त में जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि शायद अब एक और बड़ा मामला निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ब्रिजभूषण को बचा रही है, इसका साफ मतलब है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है। लेकिन महिला पहलवानों का कहना है कि तमाम सबूतों के साथ ब्रिजभूषण को कोर्ट कचहरी में लेकर जाएंगे जहां मामला चल रहा है, और तमाम सबूत अगर जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे, लेकिन ब्रिजभूषण को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या बीजेपी ब्रिजभूषण को बचा पाएगी या तमाम सबूत ब्रिजभूषण को सलाखों के पीछे डाल देंगे? SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।